हेलो दोस्तों, वेलकम माई चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एयरटेल के फास्टैग का कस्टमर केयर से आप कैसा बात कर सकते हो, आपको नंबर कहाँ से लेने गए। दोस्तों, आपका नंबर ये उनका चेंज होते रहता है, हर मंथ या ईयर्स में चेंज होते रहता है। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूँगा, वहाँ जाके आपका जब भी उधर चेंज होगा आपका कॉल नहीं लगता बार बार, तो आपका उनका नंबर चेंज हो जाता है, तो आपको जाके वहाँ से ले सकते हो और वहाँ से आपको बात कर एयरटेल थैंक्स ऐप में चले जाते हैं। और दोस्तों, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ, और लाइक भी कर दीजिए। आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको चाहिए दूसरा वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूँगा। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बोल देना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एयरटेल फास्टैग में हम चलेंगे पहले कॉन्टैक्ट अस में, और यहाँ हमको एयरटेल फास्टैग लिखने का, तो एयरटेल फास्टैग में लिखने का कॉन्टैक्ट अस में जाना पड़ेगा हमको। उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कौन से उस पर करने का। दोस्तों देखिए, पोस्ट पेड लिखा इधर और एयरटेल DTH ब्रॉडकास्ट पोस्ट पेड, तो आपको इस पर 1100 हो रहा है। मैं आपको डायरेक्ट फास्टैग पे लेके आता हूँ। यहाँ से हमको कॉन्टैक्ट अस पे आने का, और यहाँ से आपको सपोर्ट में जाने का, तो हमको इधर फास्टैग लिखने का सर्च बार में। आई वॉन्ट टू परचेज फास्टैग लिखा, पर आपको वो नहीं करना है। यू कैन नॉट बाय फास्टैग इंस्टेंटली फ्रॉम हियर, तो आई डू नॉट रिसीव फास्टैग। तो यहाँ आपको मिल गया कस्टमर केयर नंबर, तो कॉल एज 8400 एयरटेल कस्टमर केयर के लिए ऐसी भी है, और आपको एयरटेल कस्टमर केयर नहीं है तो 8600 पे आप कॉल कर सकते हो, जो आगे का नंबर दिया उस पर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। दोस्तों, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो एक या दो दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो नंबर, और नीचे ईमेल भी कर सकते हो एयरटेल फास्टैग को, bcare उस पर करके intobank.com, तो ऐसा कर सकते हो आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा।